हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम ऑटोकैड के अंदर 2D फ्लोर प्लान कैसे डिजाइन करते हैं। तो ये मैं आपको दो पार्ट्स में सिखाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि फ्लोर प्लान कैसे ड्रा करते हैं, और सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे कि हम ब्लॉक्स कैसे इंसर्ट करते हैं और उनका स्केल कैसे इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले पार्ट वन में आज हम फ्लोर प्लान डिजाइन करना सीखेंगे। उसके लिए सिंपल 5 स्टेप है दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये ड्राइंग्स बना रखी है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन में हम सीखेंगे कि हम वॉल कैसे क्रिएट करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम सीखेंगे कि वॉल्स में डोर के लिए कैसे स्पेस बनाएंगे, ओके, उनको कैसे ब्रेक करेंगे। थर्ड स्टेप में विंडो के लिए सीखेंगे कि वॉल्स को कैसे ब्रेक करेंगे विंडोज़ के लिए। और फोर्थ स्टेप में हम डोर और विंडोज़ ड्रा करना सीखेंगे दोस्तों, ओके। और फिफ्थ स्टेप में हम सीखेंगे कि इन डोर्स और विंडो जो हमने क्रिएट किए हैं उनको कैसे इंसर्ट करेंगे, ओके फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि हमारा जो फ्लोर प्लान है उसकी डायमेंशन कैसे देते हैं, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ब्लॉक्स वगैरह इंसर्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लॉक्स वगैरह भी अलग से डिज़ाइन किए हुए हैं, और साथ में जो ये हमारी स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग्स है, इन सब ड्राइंग्स का मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप ये PDF में सेव कर रखी है। जैसे फ्लोर प्लान है, ओपन करोगे तो ये फ्लोर प्लान ओपन हो जाएगा, ओके। तो इनको इंसर्ट करके आप ड्रा कर सकते हो, ओके फ्रेंड्स। ये मैं आपको कैसे डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन से, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिंक डालूंगा मैं, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 8 तक, ऐसे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। और मैं वीडियो के लास्ट में आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे डाउनलोड करने हैं, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए अब वापस चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू टैब बना लेंगे नई ड्राइंग के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है हमारा फ्लोर प्लान डिजाइन करने के लिए, हम वॉल क्रिएट करेंगे, ओके। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर क्रिएटिंग दी वॉल स्टेप फर्स्ट। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, जिन फ्रेंड्स को अभी तक इसका बिल्कुल ABC नहीं पता है ड्राइंग्स का, तो उनके लिए मैं एक बार थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होगे ये ग्रीन लाइंस और आर्क है, इनको हम डोर बोलते हैं, ओके। इसको हम डोर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आप ये दो रेक्टेंगल देख रहे होगे ये स्लाइडिंग डोर है ग्रीन के अंदर, ओके। और उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे ये हमारी विंडोज़ होती हैं दोस्तों, ओके। और ये जो वाइट लाइन देख रहे हो आप, ये हमारी वॉल होती है। तो इस ड्राइंग के अंदर यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर विंडो है, ये विंडो और ये स्लाइडिंग डोर्स, ये भी डोर्स और यहाँ पर ये विंडोज़, ओके। और ये हमने डायमेंशन शो कर रखी है, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए वापस चलते हैं हमारी मेन ड्राइंग के अंदर, जहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले क्रिएटिंग दी वॉल्स, ओके। तो ड्राइंग वन के ऊपर जाएंगे। सबसे पहला जो काम होता है दोस्तों हमारा यहाँ पर ड्राइंग के अंदर, वो क्या होता है हमारा, सेटअप दी यूनिट्स, ओके। तो उसके लिए हम शॉर्टकट कमांड लेते हैं UN, एंटर। उसके बाद यहाँ पर टाइप के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे, अगर हमारी ड्राइंग फिट इंचज में है तो हम यहाँ पर फिट इंचज के लिए आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, ओके। और अगर हमारी ड्राइंग सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर डेसिमल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम 0.0 कर लेंगे प्रिसीजन, ओके। और यहाँ पर हमारा जो इंसर्शन स्केल है वो हम इंचज में सेलेक्ट रखेंगे, और फिर यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो ये हमारी यूनिट सेट होगी। यूनिट सेट करने के बाद हम डायमेंशन स्टाइल के अंदर भी प्राइमरी यूनिट सेट करेंगे, क्योंकि हम जब डायमेंशन लेंगे तो वो यूनिट डेसिमल में दिखाएगा, ना कि फिट इंचज में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी शॉर्टकट कमांड हमारी, तो डी एंटर करता हूँ मैं यहाँ पर, और फिर मॉडिफाई के अंदर जाता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी यूनिट्स। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होगे यूनिट फॉर्मेट डेसिमल है, तो हमें इसे भी चेंज करना होता है। जैसे आर्किटेक्चर ली थी वहाँ पर, तो हम यहाँ पर आर्किटेक्चर ले लेंगे, और प्रीसीजन वही 0 फिट 0 इंच, ओके। और यहाँ पर फिर ओके कर देते हैं, और फिर क्लोज। तो हमने डायमेंशन स्टाइल में भी सेट कर ली यूनिट्स, और वैसे भी यूनिट सेट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है दोस्तों, हम लिमिट सेट करेंगे। पहले हमने यूनिट सेट की, अब हम लिमिट सेट करेंगे, जो कि हमारी ड्राइंग शीट की लिमिट सेट करते हैं हम। उसके लिए हम फ्लोर प्लान में जाते हैं वापस। जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पर जो हमारी आउटर वॉल है, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों दे रखी है। लेंथ दे रखी है हमें 53 फिट 1 इंच, और जो विड्थ दे रखी है वो क्या है दोस्तों, 31 फिट 11 इंच। अब क्या करते हैं, जो हमारी ड्राइंग शीट है, जैसे मैक्सिमम ये दे रखी है हमें विड्थ और लेंथ,
तो इसके अकॉर्डिंगली उस ड्रॉइंग की लिमिट सेट कर देंगे। साथ में एक रेफरेंस के लिए हमें यहाँ पर इमेज भी चाहिए, इसलिए लेंथ हम डबल कर देंगे दोस्तों। ओके, तो ड्राइंग शीट के ऊपर जाता हूँ मैं। यहाँ पर मैं लिमिट सेट करता हूँ। लिमिट की शॉर्टकट कमांड होती है LIM और फिर एंटर। ओके, फिर यहाँ पर ये स्पेसिफाई लोअर लिमिट हम दे देते हैं 0 फिट, फिर कॉमा, फिर 0 फिट, फिर एंटर। ओके, अब जो स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर लिमिट सेट करनी है वो क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि जो लेंथ हमें देनी है वो तो डबल करनी है। तो हमारी जो ड्राइंग थी वो 53 फिट 1 इंच थी लेंथ में, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या दे देते हैं 110 फिट। ओके, डबल ले लेते हैं। फिर हम कॉमा एंटर करेंगे, उसके बाद जो विड्थ हमारी ड्राइंग की वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। लगभग उससे फालतू ही एंटर करेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए ड्राइंग बनाने में, तो 40 फिट। फिर क्या करते हैं, एंटर। ओके, उसके बाद जेड स्पेस ए स्पेस, ये कमांड होती है जूम ऑल के लिए। ओके, तो ये हमारी लिमिट भी सेट हो चुकी है दोस्तों। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, जो हमारी ये ड्राइंग है स्टेप 1 क्रिएटिंग द वॉल, ये हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो मैंने एक यहाँ पर PDF फाइल्स बना रखी है, ये स्टेप 1 की है, तो हमें ये इंसर्ट करनी है हमारी AutoCAD शीट के अंदर। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट में यहाँ पर अटैच के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आप ये चूज कर लीजिए फ्लोर प्लान स्टेप 1। ओके, और इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये रोटेशन स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन दे सकते हैं, या तो यहाँ पे भी रोटेट कर सकते हैं इसको, तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। मैं इसको स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर दे देता हूँ इसका, तो ये हमारी जो PDF फाइल थी वो इंसर्ट होगी इसके अंदर। ओके, इससे क्या बेनिफिट है दोस्तों, आपको बार बार ड्राइंग दूसरी ड्राइंग में जाके बार बार डायमेंशन चेक नहीं करने पड़ेगी, या आप इसका डायरेक्ट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, इस ड्राइंग को रोटेट कर लेते हैं। तो होम टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन होता है, या आप डायरेक्ट शॉर्टकट कमांड भी डाल सकते हो RO। ओके, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, स्पेसिफाई बेस पॉइंट दे देंगे जहाँ से रोटेट करना है हमें, जैसे यहाँ से रोटेट करना है तो ये यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं। अब जैसे एंगल पूछेगा ये, तो 90 डिग्री एंगल दे देता हूँ। ओके, तो ये 90 डिग्री एंगल में रोटेट हो गया। अब क्या करते हैं, M एंटर, इसको मूव कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे इसको, राइट क्लिक करेंगे, इसको मूव कर लेते हैं हमारी ड्राइंग शीट के अंदर, तो ये हमारी PDF फाइल इंसर्ट होगी दोस्तों। ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों वो क्या है, क्रिएट लेयर्स। अब हम इस ड्राइंग के हिसाब से हमारे लेयर्स क्रिएट करेंगे। जो सबसे पहले हमें लेयर की जरूरत है वो क्या है दोस्तों, वॉल। तो लेयर कहाँ से क्रिएट करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था आपको लेयर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा न्यू लेयर का ऑप्शन होता है, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं वॉल्स और फिर एंटर। ओके, वॉल्स का जो कलर है वो वाइट ही रखते हैं। ओके, साथ में दो तीन लेयर और क्रिएट कर लेते हैं, एक कर लेते हैं हम विंडोज़ के लिए, ओके, और एक कर लेते हैं हम डोर्स के लिए, और एक कर लेते हैं हम रेफरेंस के लिए, कि रेफरेंस के लिए जो लाइन क्रिएट करेंगे, रेफरेंस 1 और यहाँ पर रेफरेंस 2। ओके फ्रेंड्स, विंडोज़ के लिए हम कलर चेंज कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करके, कलर के ऊपर ये हम दे देते हैं सियान। ओके, यहाँ पर ओके करता हूँ, तो यहाँ पर ये हमारी लेयर का काम फिनिश हो गया। अब क्लोज कर लेते हैं, तो हमारा मेन बेसिक काम पूरा हो चुका दोस्तों। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, कि हम आउटर वॉल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमारी ये होती है, एक तो ये और उसके बाद ये हमारी आउटर वॉल है दोस्तों। ओके, तो इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर, जैसे आप देख रहे होगे 1 फिट। ओके, जो इनर वॉल की थिकनेस है वो है 6 इंचज। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले ऊपर हम सिलेक्ट कर लेंगे वॉल्स लेयर। ओके, और उसके बाद हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, REC शॉर्टकट कमांड है रेक्टेंगल की, और फिर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ये दे दिया। उसके बाद मैं D एंटर करूँगा डायमेंशन के लिए। ओके, तो ये हमसे स्पेसिफाई लेंथ पूछेगा, जो कि मैं दे देता हूँ यहाँ पर 53 फिट 1 इंचज। ओके, और उसके बाद ये विड्थ पूछेगा, जो कि मैं दे देता हूँ यहाँ पर 31 फिट 11 इंच और एंटर।
ओके, और फिर मैं साइड में एक क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारी रेक्टेंगल ड्रा होगी। अब इसको थोड़ा हम मूव कर लेता हूँ मैं नीचे की तरफ, ताकि ड्राइंग के पास रहे और हम इजीली जो हमारी ये डायमेंशन है इनको एक्सेस कर सकें। ओके, अब नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम ड्रा करते हैं ये इनर वॉल। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट जैसे आप देख रहे होगे अंदर की तरफ भी एक रेक्टेंगल है, तो इसको भी ड्रा कर लेते हैं। ऑफसेट लेंगे 1 फिट, इसकी डिस्टेंस है तो 1 फिट एंटर। ओके, तो ऑफसेट की डिस्टेंस मैंने 1 फिट दे दी। फिर मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ और इसको अंदर की तरफ क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये हमारी आउटर वॉल क्रिएट हो चुकी है दोस्तों। तो इस तरह से हम आउटर वॉल क्रिएट करेंगे। उसके बाद आती है अंदर की जो वॉल्स है दोस्तों, इनकी जो थिकनेस है ये है 6 इंचज। ओके, तो अब इसके काफ़ी सारे तरीके हैं दोस्तों ड्रा करने के। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप रूम बाय रूम क्रिएट कर सकते हो। ओके, काफ़ी सारे तरीके हैं जिनसे हम ये अंदर की जो वॉल्स हैं इनको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रेफरेंस लाइन लेके आपको सिखाऊंगा कि कैसे रेफरेंस लाइन के थ्रू हम वॉल्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ऊपर डायमेंशन दी हुई है इस लाइन की 11 फिट, इस लाइन से यहाँ से इसकी डिस्टेंस 8 फिट, यहाँ से फिर ये 11 फिट, फिर 3x2 फिट। ये ज़्यादातर ड्राइंग में ऐसे ही डायमेंशन दी हुई होती है दोस्तों। सबसे बेस्ट वे क्या है दोस्तों, जैसे आपको ये डायमेंशन दे रखी है तो एक रेफरेंस लाइन ड्रा कर लीजिए जहाँ जहाँ ये डायमेंशन दे रखी है। जैसे इस लाइन से इसकी डिस्टेंस दे रखी है तो एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे ड्रा कर लीजिए, एक यहाँ पे कर लीजिए, और जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी ड्रा कर लीजिए। ओके, तो उससे क्या आपको आसानी हो जाएगी ड्राइंग ड्रा करने में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपकी वर्टिकल वॉल्स कितनी है और हॉरिजॉन्टल कितनी है। जैसे इस ड्राइंग के अंदर एक तो वर्टिकल वॉल होगी ये, एक होगी ये, तो ऐसे ये टोटल 9 वॉल होगी दोस्तों। ओके, तो 9 तो हमारी वर्टिकल वॉल्स होगी, और जो हॉरिजॉन्टल वॉल्स है वो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इनको कैलकुलेट करके अगर रेफरेंस लाइन ड्रा करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले क्या करता हूँ दोस्तों, मैं पहले तो ये वाली डायमेंशन के लिए एक रेफरेंस लाइन ले लूँगा और एक इसकी, क्योंकि अगर आप एक रेफरेंस लाइन यहाँ से अगर ड्रा करोगे, अगर सेम कलर की ड्रा करोगे आप, तो क्या होगा कि जैसे नीचे की तरफ भी एक लाइन है तो ये आपस में मिल जाएगी दोस्तों, और आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन सी लाइन पहले ड्रा करनी है। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले टॉप से ले लेते हैं यहाँ से, और फिर राइट साइड वाली डायमेंशन की लाइंस ले लेते हैं। इनका कलर हम 1 दे देंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो ये डायमेंशन है इनकी रेफरेंस लाइन का कलर अलग दे देंगे। ओके, ताकि आपको आसानी हो जाएगी फिर ड्राइंग्स के अंदर। तो चलिए सबसे पहले क्रिएट करते हैं टॉप वाली रेफरेंस लाइंस। ओके, तो जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस पे लाइन जो दे रखी है ये कितनी है, यह है 11 फिट 5 इंच पे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर जो अंदर की तरफ ये लाइन है इसका गैप तो हो गया 6 इंचज का, तो हम ऑफसेट लेके वो भी ड्रा कर सकते हैं इजीली। तो पहले हम आउटसाइड वाली लाइन ड्रा कर लेते हैं जिनकी डायमेंशन दे रखी है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और एक्सप्लोर कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट क्या करेंगे दोस्तों, ऑफसेट ओ एंटर। अब जैसे यहाँ पे पहली डिस्टेंस जो दे रखी थी 11 फिट 5 इंच, तो पहले ऑफसेट में ये डिस्टेंस डाल देते हैं, स्पेसिफाइड डिस्टेंस 11 फिट 5 इंच। ओके, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से ये सेलेक्ट करते हैं और अंदर की तरफ क्लिक। ओके, और उसके बाद दोबारा ऑफसेट लेते हैं, और फिर नेक्स्ट लाइन क्या दे रखी है, 8 फिट 9 इंच, तो अब ये भी 8 फिट 9 इंच। ओके, तो अब क्या करते हैं यहाँ पर, ये तो ये हो गया 8 फिट 9 इंच। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखी है, 11 फिट 6 इंच। ओके, तो एक लाइन और ले लेते हैं, ऑफसेट 11 फिट 6 इंच। और उसके बाद 3 फिट 2 इंच, तो ऑफसेट ले लेते हैं 3 फिट 2 इंच। ओके, ये यहाँ पे साइड में क्लिक, और उसके बाद जो हमें डायमेंशन दे रखी है वो दे रखी है 18 फिट 3 इंच पे, जो कि हमारी आउटर लाइन है जो ऑलरेडी है ही। ओके, तो हमने ये टॉप वाली लाइन क्रिएट कर ली। अब क्या करते हैं, साइड में जो वर्टिकल लाइंस है ये भी क्रिएट कर लेते हैं पहले। ओके, और एक लाइन और रहेगी यहाँ पर, कौन सी, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो 5 फिट 9 इंच पे, जो कि अंदर वाली वॉल से है। ओके, तो ये और ड्रा कर लेते हैं एक 5 फिट
9 इंच। तो ये हमने ड्रा कर ली। अब क्या करते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस भी ड्रा कर लेते हैं ऑफसेट के थ्रू। ओके, तो यहाँ से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 14 फिट 11 इंच। तो ऑफसेट लेंगे 14 फिट 11 इंच। ओके, और यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस दे रखी है 5 फिट 3 इंच, ऑफसेट 5 फिट 3 इंच। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो डायरेक्ट आउटर लाइन है 11 फीट 9 इंच के ऊपर। ओके, तो हमने ये ड्रा कर ली टॉप की और राइट साइड की। तो अब क्या करते हैं, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार। ओके, और इनको दे देते हैं रेफरेंस 1। ओके, तो अब हमने ये लाइन तो ड्रा कर ली। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, एक तो ये बॉटम की और एक ये लेफ्ट साइड की। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बॉटम की लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी देर की है, 6 फीट 9 इंच। तो एक ऑफसेट ले लेते हैं 6 फिट 9 इंच, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एंटर। ओके, उसके बाद इसी तरह ये सब लाइनें ड्रा कर लेंगे, जैसे 5 फीट 4 इंच के ऊपर, फिर 5 फीट ये। ओके, तो चलिए ये कर लेते हैं अभी। तो ये वर्टिकल लाइन तो हमने ड्रा कर ली, अब हॉरिजॉन्टल और कर लेते हैं। ओके, तो ये कर लेते हैं टॉप से बॉटम। तो यहाँ से 12, तो हमने ये सब रेफरेंस लाइन ड्रा कर ली। अब क्या करते हैं, पहले तो इसको जो रेफरेंस वन थी इसको ऑफ कर लेते हैं, और फिर इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं जो रेफरेंस टू लाइन है, और इनको दे देते हैं रेफरेंस टू। यहाँ पर लेयर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये रेफरेंस टू लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब रेफरेंस वन को ऑन कर सकते हैं। तो आप देख रहे होगे ये हमने डायमेंशन लाइन ड्रा कर ली रेफरेंस के लिए। तो ये सबसे ईजिएस्ट वे है दोस्तों, इजीली ड्रा कर सकते हैं ड्राइंग को। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे रेफरेंस टू एक बार लाइन ऑफ कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हम पहले ये ड्रा करते हैं यहाँ का पोर्शन। ओके, तो जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये लाइन तो हमने ड्रा कर ली, ये वाली। अब जो ये वाली लाइन है इसका ऑफसेट कितना लेना हमें, 6 इंच का। ओके, और वो भी किस साइड, राइट साइड में। ऐसे ही इस लाइन का भी ऑफसेट राइट साइड में 6 इंच, और जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर जो ये लाइन है तो इसका भी हम 6 इंच, और इसका भी हम 6 इंच राइट साइड में। तो चलिए टॉप की लाइनों का पहले ऑफसेट ले लेते हैं 6 इंच। ओके, तो ओ एंटर करेंगे 6 इंच। ओके, सबका राइट साइड में, इसलिए इसका राइट साइड, इसको सिलेक्ट करेंगे राइट साइड, इसको सिलेक्ट करेंगे राइट साइड, इसको सिलेक्ट करेंगे राइट साइड, और इसको राइट साइड। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है दोस्तों, जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल दो लाइनें हैं इनका कैसे है, जैसे हमने यहाँ तक ड्रा की थी तो ये नीचे की तरफ ऑफसेट है 6 इंच, इसका भी ऑफसेट नीचे की तरफ। ओके, तो यहाँ पर ले लेते हैं ऑफसेट 6 इंच वही, इसको सिलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ, इसको सिलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ। ओके, तो हमारी ये ड्राइंग यहाँ तक ड्रा होगी दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, जैसे हमारी जो वाल्स ड्रा हो रखी है इन लाइन के रेफरेंस के थ्रू, जैसे ये हैं, इनको अब ड्रा कर लेते हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर वाल सेलेक्ट कर लेंगे लेयर। ओके,
अब लाइन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो आप देख रहे होगे एक तो बाल है यहाँ से, यहाँ से ये ड्रा कर लेते हैं। ओके, तो बिल्कुल सिंपल ईजी है दोस्तों। कैसे ड्रा करेंगे, लाइन लेंगे एल एंटर, यहाँ पे ये एंटर कर लेंगे, उसके बाद ये जहाँ पे क्रॉस कर रहा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ये यहाँ पर क्लिक। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ये वाली वाल, यहाँ पर ये। ओके, तो क्या करते हैं एल एंटर, जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है वहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पर। ओके, तो ये भी वाल क्रिएट होगी। और फिर उसके बाद क्या है, ये वाली वाल जो कि यहाँ पर ये है। ओके, तो ये कैसे क्रिएट कर लेंगे, एल एंटर, जैसे यहाँ से ये वाल, ये वाल, ये यहाँ तक थी, ये यहाँ तक थी, और ये हम चाहे तो यहाँ तक ले सकते हैं। ओके, तो ये वाल हो गई। अब जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये वाली वाल ये क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे L एंटर क्रॉस, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक है। ओके, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये यहाँ तक है। ओके, तो ये हमारी वाल क्रिएट होगी। आप देख रहे होगे कितने इजीली तरीके से ये ड्रा हो रही है। अब जैसे एक लाइन यहाँ से नीचे की तरफ है वाल, तो क्या करते हैं लाइन लेते हैं स्पेस बार दबा के L यहाँ तक, फिर ये एक और बार लेते हैं L यहाँ से यहाँ तक। ओके, और उसके बाद एक लाइन यहाँ से लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद एक लाइन ड्रा कर देते हैं यहाँ तक ही। ओके, और उसके बाद ये लाइन मैं ड्रा कर देता हूँ पूरी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पर, और ये यहाँ तक ड्रा कर देता हूँ, और फिर एस्केप। तो इस तरह से हमने ये वाल ड्रा कर ली। अब जो बाकी की जो आप देख रहे होगे रेड लाइन, वो हमारे काम की नहीं है। तो अब क्या करते हैं, जो रेफरेंस लाइन है वो ऑफ कर लेते हैं। तो आप देख रहे होगे हमारा ये पोर्शन क्रिएट हो चुका है, कितने इजीली तरीके से क्रिएट हुआ दोस्तों। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, येलो वाली लेयर ऑन कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हमारा इतना तो काम हो गया, अब येलो वाली लेयर ऑन कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो इसमें भी अब हम क्या करेंगे, वही ऑफसेट करेंगे कि जहाँ जहाँ हमें ऑफसेट चाहिए लाइन का, वो ऑफसेट ले लेंगे। ओके, तो जैसे मैं पहले वर्टिकल लाइंस का ऑफसेट ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर जो रेफरेंस के लिए लाइन ड्रा करी थी, आप देख रहे होगे ऊपर वाली लाइन के बिल्कुल नज़दीक थी, इसलिए मैंने इनका कलर अलग दिया था। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, इनका ऑफसेट क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे मैंने ये रेफरेंस लाइन है लेफ्ट से राइट ड्रा की थी, बट आप अगर भूल जाओ कि हमने कहाँ से ड्रा की थी और आप इसको मेजरमेंट करना चाहते हो, तो या तो स्मार्ट डायमेंशन से कर सकते हो, या तो हम यहाँ पर यूटिलिटी में जाके मेजर के ऊपर क्लिक करके फिर जैसे यहाँ से इस लाइन की डिस्टेंस देख लेंगे, जो कि 6 फीट 9 इंच है, और यहाँ पर भी हमारी 6 फीट 9 इंच है। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे इस लाइन से इसका ऑफसेट कितना है, 6 इंचज का लेफ्ट डायरेक्शन में। ओके, इस लाइन में भी 6 इंचज का इस तरफ, और यहाँ पर भी इस तरफ, यहाँ पर भी इस तरफ। ओके, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी वर्टिकल लाइन्स हैं इनका ऑफसेट क्रिएट कर लेते हैं 6 इंचज का वाल के लिए। जैसे इसका यहाँ पर इस तरफ, इसका यहाँ पर इस तरफ, इसका ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं ऊपर की तरफ से। ओके, तो हमने वर्टिकल लाइंस का ऑफसेट ले लिया, अब हॉरिजॉन्टल लाइंस का भी ले लेते हैं। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस का कैसे लेंगे, हमने ये लाइंस ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ड्रा की थी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इन लाइंस का ऑफसेट ले लेते हैं ऊपर की तरफ। ओके, ओ एंटर करते हैं, पहले हम इस लाइन का ले लेते हैं ऊपर वाली लाइन का, क्योंकि नीचे वाली में फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले हम इस तरफ के रूम तैयार कर लेंगे। ओके, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ, और यहाँ पर ये ऑफसेट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही लाइन है। ओके, तो अब क्या करते हैं, ये हो गया, अब नेक्स्ट रूम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एल कमांड लेंगे, हमें यहाँ पर ये रूम क्रिएट करना है, तो ये हमारे कौन से हो गए, एक तो हो गया हमारा यहाँ पर ये, एक ये हो गया। ओके, यहाँ पर ये, और फिर दोबारा एल लाइन लेंगे यहाँ से, यहाँ पे, यहाँ पर, और फिर यहाँ पर। ओके, तो ये दो हो गए। अब एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक,
फिर ये यहाँ पर, फिर उसके बाद ये ले लेते हैं यहाँ पर, और ये लाइन यहाँ तक है। ओके, तो ये लाइन क्रिएट कर ली। अब अगली लाइन भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर, और फिर यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये हमने यहाँ पर ये लाइनें क्रिएट कर ली ऑफसेट इस लाइन का यहाँ तक। ओके, ऊपर की तरफ। तो हमारी ये लाइन होगी एल एंटर, यहाँ तक चाहिए, एल एंटर यहाँ से यहाँ तक। ओके, और फिर एक और एल एंटर कर लेंगे यहाँ से, हमें ये भी लाइन ड्रा करनी है। तो एक ही हो गया, दोबारा एल एंटर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये हमने लाइन ड्रा कर ली। और एक लाइन कहाँ से थी, एक यहाँ से यहाँ तक की है, और एक यहाँ से यहाँ तक की है। तो ये हमारी लाइंस लगभग ड्रा हो चुकी है, जो जो हमें रिक्वायर्ड है। ओके, तो आप देख रहे होगे ये हमारा डायग्राम ड्रा हो गया है। अब क्या करेंगे, जो हमारी चाहिए जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको ट्रिम कर देंगे। ओके, ट्रिम सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को। ओके, फिर राइट क्लिक, फिर जैसे यहाँ पर हमें ये लाइनें नहीं चाहिए, ये दोनों। ओके, एक लाइन और ले लेता हूँ मैं यहाँ से इसको क्लोज करने के लिए। अब ट्रिम ले लेता हूँ दोबारा सेलेक्ट ऑल, और फिर यहाँ से ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये। ओके, अब जैसे यहाँ पर ये लाइन भी नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर ये भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम ये डायग्राम ड्रा कर लेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए इन फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हो, तो मैंने ये इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, डाउनलोड कैसे करना दोस्तों, जैसे आप वीडियो के नीचे जाओगे, जैसे यहाँ पर सो मोर के ऊपर, ओके, यहाँ पर क्लिक करना, और यहाँ पर डाउनलोड का लिंक मिलेगा। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना, तो उसके बाद एक नई टैब ओपन हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर एक 5 सेकंड का टाइमर ऑन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर 3, 2, 1, और फिर ये स्किप ऐड का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पर ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना। ओके, और फिर डाउनलोड, फिर यहाँ पर नो थैंक्स कंटिन्यू टू डाउनलोड, तो ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ओके, और आप फिर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से सो इन फोल्डर करके जो भी लोकेशन है वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो इसको। ओके फ्रेंड्स, और साथ में दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे शेयर बटन के ऊपर, तो ये फेसबुक, गूगल प्लस, जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहते हो वहाँ पर ईजिली कर सकते हो। ओके, और फेसबुक के ऊपर शेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, और हमारी वीडियो फेसबुक पर शेयर हो जाएगी। और अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो या अगली वीडियो देखना चाहते हो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लास्ट ट्यूटोरियल यानी कि पिछली वीडियो और नेक्स्ट ट्यूटोरियल अगर अपलोड हो चुका हुआ तो यहाँ पर लिंक आ जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कमिंग सून। ओके, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर।